दर्शक बंधु आज आम जो आलोचना करुच्छू ता एक स्पर्शकातर घटना आपण शुणी आश्चर्य हेबे। एभली एक घटना आसुच्छी केरल रु कारण कहा जाउछि कि स्वामी जनक जी होछंती सूरज से निज स्त्री को मारिबा पई जीवन रो मारिबा पई पूर्वर अनेक थर मध्य योजना करथिले एवं सेथिरे शेषे से सफल होती एक नागसाप मध्यम निज स्त्री को मारक से सक्षम होती जहाँ कुछ देखा स्त्री उपरे साप छाड़ी हत्या आजीवन जेल। तबे केरल आसुच्छी अभावनीय घटना एवं आज याकु सुनाणी करथिले केरल कोर्ट एवं आजीवन कारादंडादेश मध्य सुनाई। तबे घटनाक्रम एमिति थिला कारण पूर्वर मध्य अनेक थर सूरज निज स्त्री उथरा को मध्य बारंबार मारिबा पई से योजना मध्य करी आसुथिले एवं केउठी से विषाक्त साप मिलिब तार संधान रे मध्य से रही आसीथिले। 2020 मसीहार ये हूँ घटना मे 7, 2020 रे प्रथम थर से निज स्त्री को मारिबा लागि ये योजना आरंभ करथिले एवं निज स्त्री को उपरे एक साप मध्य छाड़ी देथिले किंतु से समय रे सौभाग्यवशतः स्त्री उथरा से बंची जाइले और लगातार भाव में ट्रिटमेंट चलता चिकित्सा चलता आपण को कहवाक चाहिए एवं से समय जितेबले से हॉस्पिटल रे चिकित्सित अवस्था थे पुणी थे से निजर प्लान को अप्लाई करते पुणी थे से योजना करते स्त्री को जीवन रू मारिदेपी आय से नागसाप संधान थे एक कोब्रा मध्यम निज स्त्री को शेष में मारे से सक्षम होती। तेरे बाहर समय जो से समय उथरा बाजा पत्नी कहुची उथरा से समय 4 लाख टंका सहित एक कार मध्य उपहार स्वरूप आनीले जौतुक उपहार सहित आनीले किंतु ता सत्वे मध्य अनेक समय हरासमेंट हवाक पड़ूला जौतुक निर्यातना जहाँ होता जहाँ शुणा को मिलू परवर्त समय रे ये तार संधान मिलता जीवन रो मारिदे उद्यम करते सूरज। तेरे ये आउ गोटे कथा कहवाक चाहिए कि स्वामी सूरज का बयस होछि 28 वर्ष एवं बयस अनुसार केरल कोर्ट एपरी किछि दंड विधान सुनाई अर्थात आजीवन कारादंडादेश सुनाई। संपर्क में अधिक आलोचना करबा सिद्धार्थ दास वरिष्ठ आईनजीवी वर्तमान आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी श्री दास आपण को स्वागत। एभली गोटे स्पर्शकातर घटना प्रथमतः आपण प्रतिक्रिया मुझे चाहिए केमती देखुं स्त्री को हत्या करने एक नाग सापर व्यवहार करने पूर्व से थे फेल मारे कि सफल होती उद्देश्य थिला जे जौतुक दाबी एवं जौतुक दाबी की नहीं स्त्री को बारंबार अत्याचार करथिले एवं मारिया पई मध्य बहुत सारे उद्यम नहीं शेषे सी गोटे जोपरी भाव में कहीपरि गोटे कम कले गोटे विषाक्त नागसाप को स्त्री को पकईदे जहाद्वारा नागसाप दंशन मृत्यु घटला तेणु केवल ये गोटे विरल विरलतम केस जेपरी की घटना घटे न थाए सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जिते बड़े मृत्यु घटी थाए मानने अति जघन्य भाव जेपरी की विरल घटना घटी न थाए मृत्यु तो अनेक लोक हत्या कर मारी दि जाऊँ कि मनोभाव मानने आम तो कही पारे गोटे विश्वासिक मनोभाव जो रही किंतु मु भावुची माननीय अदालत फाँसी दंड दे था किंतु हुए तो बयस को लेकिन कौन प्रकार काले परिवर्तन आसपी आशा रखी बोधे मृत्युदंड दे विरुद्ध रे दफा जी करा 302 धारा लगी 307, 328 एवं 201 लगी दफा केते संगीन एवं जो भाई भाव जहाँ केरल रो कोर्ट ये सुनाणी कर आजीवन कारादंडादेश सर गोटे कथा जानवाक चाहिए आईनगत दिग सारे आपने के कौन रोच मामलें बयस अनुसार सर कौन दंड विधान प्रकृत में रोच नहीं तो आजीवन कारादंड सब मिनिमम दंड सब अत्यधिक दंड हूँ फाँसी जो बदल जो आजीवन कारादंड दिगला आजीवन कारादंड जजमेंट राय लिखी थे टिल डेथ
ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଜେଲରେ ରହିବେ। ଏଇ କଥାଟି ଯଦି ଲେଖାହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜେଲ ଥିଲା ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବେସନ ଅଫ୍ ଅଫେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଯୋଉ ଜେଲରେ ସେ ରହିବେ ସେ ଜେଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଘଟିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁକୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ନେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ କହୁଥିଲୁ କେବଳ ଏଇଟା ଯଦିଓ ଗୋଟେ ବିରଳରୁ ବିରଳତମ କେସ୍ ହଉଛି ବା ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେୟାର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଶୀଦା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ ଏ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଅଦାଲତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନଜର ହେଇକି ରହିବ ବା ଅନ୍ୟ କୋର୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଜର ରହିବ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ପୋଡି ମାରି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।